हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप जो है इन प्रेशर हॉर्न को इंस्टॉल कर सकते हो। एक्चुअली ये तो पुराना हो चुका है कंटेंट, लेकिन इसमें भी आपको इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जो कि आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं अपनी बाइक में इसको बिल्कुल नहीं लगाने वाला। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप इसको जो है प्रॉपर इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि बाइक में ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और नॉइस पोल्यूशन के कारण आपको लगवाने भी नहीं चाहिए। और अगर आपके पास कोई ट्रक है या कोई बस है, उसमें आप लगा सकते हो। प्रोसीजर सेम रहेगा जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो क्या सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें क्या क्या आपको मिलेगा। सबसे पहले ये आपको एक मेन कंट्रोलर मिलेगा, इसको कंप्रेसर बोल देते हैं, क्योंकि ये हवा को प्रोड्यूस करेगा और आपकी जो हवा है वो आपके प्रेशर हॉर्न में जाएगी, जो कि आपको यहाँ पर तीन है दिखाई दे रहे होंगे। और इसमें एक और भी वेरियंट आता है जिसमें कि आपको दो प्रेशर हॉर्न मिलते हैं, तो वो भी आप जो है परचेज कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऐसी बड़ी वाली पाइप मिलेगी जिसका कि आपको जो है इसको तीन पार्ट में डिवाइड करना है। अगर आपके दो हॉर्न है तो आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ कि कैसे आपको लगाना है। उसके बाद आपको ये कुछ इस टाइप की एक रिले मिलती है, और उसके बाद ये आपको एक स्विच मिलता है जो कि आपका जो आवाज़ है इसकी उसको चेंज करेगा। और कुछ यहाँ पर आपको नट्स बोल्ट्स मिलेंगे इसको फिक्स करने के लिए, और आपको जो है एक यूज़र मैनुअल भी मिलेगी ऐसे छोटी सी। तो चलिए अभी सीधे इसको जो है इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसको फिक्स करने की। तो तीनों जो आपके प्रेशर होने हैं उनके लिए आपको ये अटैचमेंट दी गई है। तो यहाँ पर आपको ये बोल्ट को ऐसे लगा के ऊपर इसके आपको जो है ऐसे नट भी आप लगा सकते हो, और इसके साथ आपको ऐसे पत्तियाँ भी दी गई हैं, आप कहीं पर भी इसको जो है फिक्स कर सकते हो। और ऐसे ही आपको जो है ये मेन कंट्रोलर है, यहाँ पर भी आप जो है इसका यहाँ पर बोल्ट लगा के इसको टाइट कर सकते हो। एक्चुअली ये बोल्ट थोड़ा सा इन्होंने बड़ा दिया है, तो आप अपने हिसाब से जो है इसको छोटा लगा के यहाँ पर आप इसको जो है अच्छे से टाइट करके कहीं भी इसको जो है आप लगा सकते हो। तो क्या सबसे पहले आपको जो है अपनी कोई भी गाड़ी है उसमें टोटल चार वायर्स को आपको निकालना है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कोई भी जो आपका व्हीकल होता है उसमें एक स्टोक हॉर्न लगा रहता है जो कि कंपनी ने लगा के दिया होता है, तो उसमें से आपको ऐसे जो दो वायर आती है वो मैंने यहाँ से निकाल ली। आप देख सकते हैं इसको मैंने एक्सटेंड कर ले करके यहाँ से निकाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक जो वायर है यहाँ पर माउंट करके इसकी बॉडी के साथ ग्राउंड करके ये नेगेटिव की निकाली हुई है यहाँ से, और एक जो वायर है वो आपको पॉजिटिव साइड लगानी है बैटरी की, और वो यहाँ से निकली हुई है। तो आपको ये टोटल चार वायर चाहिए इसको लगाने के लिए। तो कैसे आपका जो मेन कंट्रोल होगा उसके नीचे आपको ये दो थिम्बल दिखेंगी, एक नेगेटिव की है एक पॉजिटिव की है, और आपको यहाँ पर जो है क्लियरली जो लिखा हुआ है दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पर जो दो थिम्बल है ये हॉर्न की यहाँ पर आपको आवाज़ चेंज करनी है उसके लिए है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले आपको रिले को पकड़ना है, और जो आमने सामने वाली जो पिन्स है जो कि 85 और 86 है, उसमें आपकी जो ऊपर से हॉर्न जो स्टोक हॉर्न होगा उसकी जो दो वायर आ रही होंगी वो लग जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पैरेलल पत्तियाँ हैं उसमें आपको जो है हॉर्न की जो ऊपर से वायरिंग आ रही है उसको लगा देना है। तो यहाँ पर मैं 85 और 86 में हॉर्न की जो ऊपर से वायरिंग आ रही है उसको मैं लगा देता हूँ यहाँ से, और अभी मैं हॉर्न को ऐसे प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिले अभी काम कर रही है। इसके बाद गाइस, जो दो पत्तियां बच चुकी हैं उसमें से एक आपको पत्ती में जो 12 वोल्ट की सप्लाई जो बैटरी से डायरेक्ट हमने ली है वो यहाँ पर लगा देनी है। तो आप देख सकते हैं जो 12 वोल्ट की जो सप्लाई यहाँ पर थिम्बल है वो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, और इसी के साथ ही यहाँ पर जो आगे वाली ये जो वाली थिम्बल है इसमें आपको एक और जो है थिम्बल लगानी है इस टाइप से, और ये जाएगी आपके मेन कंट्रोलर के पॉजिटिव में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेन कंट्रोलर का पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ। इसी के साथ ही हमारा जो पॉजिटिव का कनेक्शन है वो मिल चुका है इस हमारे मेन कंट्रोलर को। अभी गाइस, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव का वाला है, तो नेगेटिव में हम जो है डायरेक्ट जहाँ पर हमने बॉडी के साथ अर्थ की थी वायर उसको लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो सर्किट है कंप्लीट हो रहा है। अभी इसको नेगेटिव की सप्लाई भी मिल चुकी है और पॉजिटिव की सप्लाई भी मिल चुकी है। अभी मैं जैसे ही हॉर्न को प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा मेन कंट्रोल अभी चल रहा है, इसका मतलब हमारा यहाँ तक कनेक्शन जो है कम्प्लीट हो चुका है। इसके बाद गाइस, ये जो स्विच है इसकी जो एक वाली वायर है वो यहाँ पर लग जाएगी, और जो दूसरी वाली वायर है वो आपको यहाँ पर लगानी है पॉजिटिव में, जो कि आपका मेन कंट्रोलर में पॉजिटिव की सप्लाई आ रही है रिले से। तो यहाँ पर इसको मैं लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने एक्स्ट्रा सिंबल पहले से इसको अटैच करके रखा था, तो मैंने इस टाइप से इसको जो है लगा दिया है। सेम गाइज, आपको एक एक्स्ट्रा थिम्बल ऐसे अटैच करके यहाँ पर इसके सेकंड टर्मिनल में लगा देनी है, और वो जाएगी यहाँ पर लग जाएगी। तो आप देखते हैं यहाँ पर इसको मैं सीरीज में लगा दिया है, तो कि जो इसके साथ यूज़र मैनुअल आती है उसमें इतना ही कनेक्शन बताया गया है, तो हम इतना ही पहले करेंगे, और बाकी जितनी भी वीडियो देखेंगे उसमें आपको इतना ही कनेक्शन करने का बताया गया है, और आगे का स्टेप मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी हम जो है इसके प्रेशर हॉर्न को यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर आपको ये अटैचमेंट मिलेगा। तो जो बड़ा वाला हॉर्न होगा वो इस टाइप से आपको लगाना है, ये यहाँ पर जो इसका कनेक्टर है इसको ऐसे लगा के किसी भी आप जो है इसको ऐसे क्रॉस में लगा के इसके ऊपर जो इसकी पाइप बचेगी वो आपको बड़े वाले हॉर्न में लगानी है, और बाकी जो छोटे वाले हॉर्न है वो यहाँ पर लग जाएंगे जो दोनों साइड में एक एक। तो गाइस, अभी हम इसको जो एक बार चला के देखते हैं, और मैं इसको कम यूज करूंगा क्योंकि मैं घर के अंदर हूं तो इसकी आवाज काफी लाउड होगी।
तो गाइस अभी हम इसकी आवाज़ को चेंज करके देखेंगे। तो इस बटन को मैं यहाँ पर इसकी पोजीशन को चेंज करता हूँ, तो अभी बजा के देखते हैं। तो गाइस आप देखते हैं इसकी आवाज़ बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। तो इसका मैं अभी रीज़न बताता हूँ, मेन पॉइंट हमारा यही है। ये आपको किसी वीडियो में नहीं बताया गया कि यहाँ पर जो दो थिम्बल आपको दिखाई दे रही हैं इसमें क्या होता है। इसमें एक जो है आपको एक सेलेनाइड मिलती है। सेलेनाइड क्या करती है, जो इसके अंदर जो घूमता है, जैसे आवाज़ को जो वेरिएशन जो आवाज़ में लाता है, वो जो घूमने वाला सिस्टम है इस सेलेनाइड की मदद से वो रुक जाता है। तो आप देखते हैं यहाँ पर मैं अभी इसको लगा रहा हूँ, तो ये सेलेनाइड ऐसे एक्टिव हो रही है, इसमें आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो अभी हम जो क्या करना है, हमें जो ये वाली वायर है इसको नेगेटिव से अटैच करना है। तो मैंने एक एक्स्ट्रा वायर ली है, इसको यहां पर लगा के इसको मैं जो है नेगेटिव की सप्लाई यहां पर दे देता हूं, जो आपके मेन कंट्रोलर के नीचे से जो मैंने दी गई है नेगेटिव की सप्लाई, तो वहां पर मैं इसको नेगेटिव की सप्लाई दे रहा हूं। तो गाइस अभी होगा क्या, इसको नेगेटिव सप्लाई यहाँ पर इस सेलेनाइड को डायरेक्ट दी गई है, आप देखते हैं। और इसकी जो पॉजिटिव की सप्लाई है, जब इसका बटन हम ऑन करेंगे तो इसको पॉजिटिव की सप्लाई जो है मिल जाएगी। तो ये रिले जब एक्टिव हो जाएगी तो जो इसमें घूमने वाला सिस्टम है वो काम करना बंद कर देगा और आपके होन की आवाज़ चेंज हो जाएगी। तो अभी फिर से हम इसको चला के देखते हैं। तो चलिए इसको अभी चलाते हैं, तो आप देखते हैं ये एक आवाज़ है। अभी इसके मैं बटन को ऑन करता हूँ, तो गाइस अभी फिर से ट्राई करते हैं। तो आप देखते हैं अभी इसकी आवाज़ चेंज हो रही है। तो गाइस इस टाइप से आप जो है कभी भी अगर प्रेशर होम को इंस्टॉल करना चाहे अपने बस या फिर ट्रक में, क्योंकि मैं बाइक में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, तो आप इसको लगा सकते हैं। बाकी अगर इसका मेरे को लिंक मिलेगा ऑनलाइन का, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से आकर इसको जो है परचेज कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।